हेलो दोस्तों, कैसे हो? आज आपको हम व्रत का नाश्ता बताएंगे, व्रत और उपवास का नाश्ता बताएंगे। ये है हमारे समा के चावल, इसको समा के चावल भी कहते हैं, मोरधान भी बोलते हैं और भंगर भी बोलते हैं। और आपके यहाँ पे क्या बोलते हैं जो मुझे कमेंट करके बताना। ये ऐसे होते हैं बिल्कुल बारीक, जिनको व्रत और उपवास में खाया जाता है। अगर आपको गर्मी में व्रत और उपवास करने में साबूदाने की खिचड़ी खाने से गैस बनती है, तो ये बहुत ही डाइजेशन और बहुत हेल्थी रहता है। बहुत यूनिक रेसिपी आज मैं आपको व्रत की बता रही हूँ। ये कटोरी हमने समा के चावल ले ली है और इनको धो करके क्लीन कर लिया है बढ़िया। अब हम इनको इसमें पैन में डाल के गैस पे चढ़ाएंगे। इनको हमें चावल के जैसे बनाना है, जैसे हम नॉर्मल चावल बनाते हैं वैसे बनाना है, पर इनको बनाना ज़्यादा देर तक है। ये हम एक कटोरी चावल लिया था तो एक कटोरी पानी हम डाल देते हैं इसमें, और एक कटोरी और डालेंगे। इनको थोड़ा गीला बनाना है हमको चावल को। ये देखिए, हमने इसको भून लिया है, मतलब पका लिया है, और ये ऐसा गीला हमको चाहिए। ये देखिए कितने से थे और कितने सारे हो गए। ये बहुत ज़्यादा फूलते हैं और स्वास्थ्य के लिए भी बहुत ही टेस्टी होते हैं, और आपको बहुत पसंद आएगी ये रेसिपी। अब हम इसको थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं, इतना ही हमको इसको भुनना है। ये ठंडा होने देते हैं, फिर अगले की आपको बताते हैं। ये देखिए दोस्तों, हमारा बैटर बिल्कुल ठंडा हो चुका है, और ये ठंडा होने के बाद में इकट्ठा होता है बहुत। ये फूलता भी बहुत है और बन भी बहुत जल्दी जाता है, 5 मिनट के अंदर तो ये बन ही जाता है, बिल्कुल गीला हो जाता है। इसकी बहुत सारी रेसिपी बनती है, आपको कौन कौन सी रेसिपी चाहिए मुझे बताना। ये कटोरी मैंने इसमें दही डाला है, जितना मैंने ये लिया था उतना दही डाला है, थोड़ा और लूँगी मैं इसमें। एक कटोरी से थोड़ा कम है, ये इतना दही और लूँगी। अब अपन इसको मिलाएंगे, बहुत अच्छी तरीके से इसको मिलाना है। मैं मिला लेती हूँ, फिर आपको वापस बताती हूँ। ये देखिए, हमने इसको मिला लिया सारा, और इसमें थोड़ी बहुत गुठलियाँ हैं उसको भी फोड़ना, बिल्कुल आपको प्लेन मिलाना है एकदम। इसमें मैंने थोड़ा सा पानी भी डाला था, आधा कटोरी। ये उसी कढ़ाई में हमने मिला लिया बनाया, जिसमें अब इसके हम दो भाग कर लेते हैं। दो तरह से आपको बनाना बताएंगे हम इसको। ये इतनी यूनिक रेसिपी आपको इतनी पसंद आएगी कि गर्मी में आपको व्रत उपवास करने में कोई टेंशन नहीं होगी, और इससे पेट भी भर जाता है और पचने में भी बहुत अच्छी है ना। ये बादी करती है ना, ये गैस बनाता है, इसमें दही भी डल चुका है, तो बहुत ही अच्छी लगेगी। ये ज़्यादा हो मिठो। ये देखिए, मैंने आधा आधा भाग कर दिया है। अब इसमें मैंने ये कटोरी शक्कर डाल दी है, और ये थोड़ा ड्राई फ्रूट डाल दिए हैं। अगर आपको खोपरा वगैरह पसंद नहीं हो तो आप हटा सकते हो। मैंने खोपरा, काजू और वो डाला है, और थोड़ा इलायची पाउडर डालेंगे। अब इसको हम मिला देते हैं। ये वाला इतना टेस्टी लगेगा जैसे आप रबड़ी खा रहे हो या श्रीखंड खा रहे हो, जैसा इसका स्वाद आएगा आपको। और शायद ये आपने रेसिपी देखी भी नहीं होगी कहीं पे भी, कि इस प्रकार की भी इसकी रेसिपी बनती है। खाने में बहुत ही अच्छा और बहुत ही टेस्टी। इसको हम ओलिया भी बोलते हैं, वैसे चावल का ओलिया बनाते हैं शीतला सप्तमी के दिन। तो अगर व्रत हो आ जाता उस दिन, तो हम फिर इस प्रकार का ओलिया बना लेते हैं। ये हमारा मीठा वाला तैयार हो गया, और अब इधर इसमें हम ये नमकीन बना रहे हैं, जो हमने सेंधा नमक लिया खाने वाला व्रत में खाने वाला, 1.5 चम्मच ये नमक डाल दिया है। और ये भुना जीरा और वो राई होती है छोटी वाली, जो उसको मैंने दर दरा कूट लिया, ये डाल देती हूँ थोड़ा। ये थोड़ी ग्रीन चिल्ली ली है बारीक बारीक काट करके, ये डाल देती हूँ। और ये थोड़ा धनिया बारीक बारीक काट करके ये डाल देते हैं, और इसको भी हम अच्छी तरीके से मिला लेते हैं। आप इसमें रेड चिल्ली का पाउडर भी डाल सकते हो अगर आपको पसंद हो तो, पर मुझे पसंद नहीं है। मुझे तो केवल जीरा और राई और ये धनिया और यही पसंद है,
इसी से अच्छा लगता है। अभी तो इसमें शक्कर गलेगी, शक्कर गलेगी उसके बाद में बहुत टेस्टी हो जाएगा। आप इसको फ्रिज में रख दीजिए और ठंडा कर करके खाइए, तो उससे भी इसका टेस्ट हो जाएगा और ये दाग वगैरह इतनी अच्छी फूल करके इतनी बढ़िया लगेगी। अब मैं आपको थोड़ा सा इसको गार्निश करके बताती हूँ। ये मैंने मीठे के ऊपर थोड़े से केसर के दाने डाल दिए हैं। अगर आपको इसको कलरफुल करना है तो केसर डाल दीजिए, और इसको कलरफुल करना है तो रेड चिल्ली का पाउडर डाल दीजिए। तो मेरे को रेड चिल्ली पसंद नहीं है, इसलिए इस पर मैं ये हरी मिर्ची और ये धनिया से गार्निश कर रही हूँ। ये हमारी दोनों रेसिपियाँ एक साथ बन करके तैयार हैं। ये मीठा वाला है और ये नमकीन वाला है। दोनों टेस्ट आपको व्रत में आ जाएंगे, मीठा भी खा लोगे और नमकीन भी आप खा लोगे, आपका पेट भर जाएगा इससे, और इतना टेस्टी लगेगा कि आपके बच्चे होंगे तो वो भी आपसे मांग मांग के खाएंगे, बुजुर्ग व्यक्ति भी आराम से इसको खा लेंगे, किसी को भी खाने में परेशानी नहीं होगी। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन बटन को दबाइए। अगली वीडियो देखने के लिए टेक केयर, बाय बाय।